भारतीय सवर्ण महासभा ने बैठक कर पदाधिकारियों को दी जिम्मेदारी। बा भारतीय सवर्ण महासभा रजिस्टर्ड की बैठक बिजली घर गेस्ट हाउस पर रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कुछ नए चेहरों को भी जगा दी गई। भारतीय सवर्ण महासभा प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने बाह निवासी प्रयाग नारायण शर्मा को आगरा जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। वहीं महासभा द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। पंडित हरि मोहन तिवारी ने कहा, आज जिस तरीके से प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, नाबालिग और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चारों तरफ गुंडाराज कायम हो चुका है, प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मजलूम और अत्याचारों की लड़ाई अब भारतीय सवर्ण महासभा लड़ेगी। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे विनोद जैन, संजय उपाध्याय प्रधानपति, दिनेश मिश्रा, प्रेमचंद शर्मा, सौरव लहरी, मनोज दुबे, सचिन लहरी, सूरज भान सिंह पूर्व प्रधान, नाथूराम पंत, ब्रिजेश शास्त्री पुरोहित आदि। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर ब्यूरो, चीफ नीरज यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ। आज का जो कार्यक्रम है, किस उद्देश्य से रखा गया है? भारतीय सवर्ण महासभा पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक सवर्ण समाज को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। आज बाहर क्षेत्र में हमारे जो महासभा है प्रयागराज शर्मा जी, इनको आगरा का जिला अध्यक्ष घोषित किया है और इनसे आशा की है कि आप सवर्ण समाज की एक जिले में बहुत मजबूत टीम को बनाना है, जिससे सवर्णों की आवाज़ आगरा जिले में बड़ी तेज़ी से उठ सके। हमारा पूरे प्रांत में इसी तरीके से अभियान चल रहा है, संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है, समाज की आवाज़ को भी उठाया जा रहा है और जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी लगातार घटना हो रही है समाज के ऊपर, उसको आए दिन हम लोग किसी न किसी माध्यम से, धरना हो या ज्ञापन हो या आंदोलन हो, उसके द्वारा हम करते रहते हैं। अभी हाल ही में जो राजस्थान में घटना हुई है, ब्राह्मण पुजारी की हत्या की गई है, उसकी भारतीय सवर्ण महासभा कड़े शब्दों में निंदा करती है और परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी के तहत एक फैजाबाद में भी पदाधिकारियों और फैजाबादों ने कार्यक्रम रखा है धरने का, कल उस धरने में भी हम लोग रहेंगे और जो आदर्श में दोषी जो भी हो उनको सजा मिले, निर्दोष को किसी भलाया नहीं जाए। हम लड़की के अपोजिट में नहीं है, उसकी हम चाहते हैं कि जिन्होंने हत्या की है उसको सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को भी उसमें नहीं फंसाया जाए, ये भारतीय सवर्ण महासभा मांग कर रही है। फतेहपुर सीकरी सांसद और बहा विधायक भी सवर्ण समाज से हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? भारतीय सवर्ण महासभा तो इस अभियान पर चल रही है, जितने भी उत्तर प्रदेश में सांसद हैं और विधायक हैं इनको हम लोग लड़कार रहे हैं और टुल्ला में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं इनका हम लोग समाज के लोगों से कहा, इनका बहिष्कार करो। क्यों बहिष्कार करो? कि ये जीतने के बाद समाज की बात को नहीं सुन रहे हैं, न किसी समाज की समस्या हो या हत्या हो जाए उसमें मदद कर रहे हैं। सबसे बुरा तो जब लगता है किसी सवर्ण समाज के सांसद या मंत्री के पास आप जाएँ और कहें कि हम समाज का एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपको चीफ रखना चाह रहे हैं या उद्घाटन करना चाह रहे हैं, तो इनका जवाब होता है कि हम हमारे ऊपर जात का आरोप लग जाएगा, इसलिए हम आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं और हमारा कुर्सी नहीं जा सकती है। तो हम कहना चाहते हैं समाज के वोटों से आप जीतोगे, आप पर जातवाद का डब्बा नहीं लगे, इसलिए आप कार्यक्रम में आओगे नहीं। ये हमको बहुत बुरा लगा, एक कांड हो चुका है, इसलिए हमने टुल्ला में बड़ी तेजी से सवाल को उठवा रहे हैं, सवर्णों में जा जाकर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सवाल पूछो कि आप जीतोगे हमारे वोटों से और आप जातवाद का धब्बा लेकर कार्यक्रमों में नहीं आओगे, ये सहन नहीं होगा। दूसरी बात, आप कर क्या रहे हो समाज के लिए? हमने राजा भदावर को भी ज्ञापन दिया, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं वहाँ की उनकी पत्नी उनको भी विधायक दिया है ज्ञापन, जिसमें सवर्ण आयोग की हमने गठन की मांग उठाई है, लेकिन कोई सांसद विधायक हमारी इस मांग को उठाने के लिए लोकसभा विधानसभा में तैयार नहीं है। इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं? संगठन ये करेगा, समाज में जाएगा, जगह जगह ऐसे लोगों की पोल खोल अभियान चलाएगा, बताएगा समाज को आप उनको वोट दे रहे हैं या हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने अपनी मानसिकता नहीं सुधारी तो ऐसे लोगों को भी चुनावों में सबक सिखाया जाएगा और मैं तो अपील करूंगा समाज के लोगों से, जहां ये आए ऐसे लोग उनसे सवाल करें। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।